नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। और आपके समक्ष जो आज का टॉपिक है जीके ट्रिक्स ट्राइब्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जनजातियों के लिए है। तो आज हम लोग जनजाति का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसको जितना हो सके सब कुछ एकदम ईजी वे से, सब कुछ ट्रिक की सहायता से याद करने वाले हैं परमानेंटली, ताकि एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन ना हो। और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है, तो सब कुछ जानते हैं आप। तो बस आप इस वीडियो को पूरी तक देखें, पूरी देखने के बाद आप पूरा श्योर हो जाएंगे कि बस आपको याद होना ही वाला है, निश्चित है, निश्चित हो जाए। अब उसके बाद भूल नहीं पाइएगा, ऐसा इसमें ट्रिक है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऐसा यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ ये रेड बटन पे ही क्लिक किया जाए तो हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है वीडियो के नीचे ये बटन खोजने का। आप विश्वास कीजिए, इस वीडियो में यहाँ पर क्लिक करके देखिए, क्लिक करते ही सब्सक्राइब हो जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और प्लीज़ फ्रेंड शेयर करें, और हो सके तो वीडियो के लास्ट में, एंड तक, एंड में प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे। तो आज हम लोग ये जो टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये पढ़ने वाले हैं। और मेरे पास अच्छी खासी लिस्ट है, करीबन 40 एबोव है। आपको पीडीएफ जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेंगे ताकि रिविज़न भी करते रहें आप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एबोर्स ट्राइब। एबोस ट्राइब यानी कि एबोस जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका ट्रिक क्या है, अगर हम सोचें कि एबोस आते ही तुरंत दिमाग में अरुणाचल प्रदेश कैसे आए, तो यहाँ पे अगर अ हटा दे तो भोर्स होता है। भोर भोर मतलब होता है सुबह, ध्यान से सुनिएगा। ए हटा दिए तो भोर हुआ, भोर। भोर का मतलब होता है सुबह, और अरुण का मतलब होता है सूरज। तो सूरज सुबह में निकलते हैं, सिंपल सा बात है, तो ये आसानी से याद आने वाला है। तो अबोर अरुणाचल प्रदेश। अगला है एप्टेनिस। एप्टेनिस जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसमें भी आप लोग कैसे सोचेंगे कि एप्टेनिस बोलते ही तुरंत हम लोग अरुणाचल प्रदेश कैसे दिमाग में आएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए कि फ्रेंड कि आप टेनिस कब खेलते हैं, ऐसे पूछिए। यहाँ पे एपी को आप कर दीजिए और यहाँ टेनिस कर दीजिए, टेनिस जो गेम है खेलने के लिए। तो ऐसा थोड़े ना कि रात के समय लोग खेलते हैं, नहीं, सूरज निकलने के बाद ही लोग खेलते हैं, यानी अरुण निकलने के बाद लोग टेनिस खेलते हैं। आप भी टेनिस खेलते होंगे, तो ये टेनिस हो गया। अगला अब बड़ा घास। बड़ा घास जो है नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में पाए जाते हैं बड़ा घास। तो ये फ्रेंड तमिलनाडु नीलगिरी से दो तीन जाति है, मैं दिखा देता हूँ। ये कोतास, बड़ा घास, ये जो है तमिलनाडु में नीलगिरी में पाए जाते हैं। इसको याद करने के लिए फ्रेंड बता दें कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दाग याद कर लीजिए, बदागास का बड़ा दाग। बड़ा दाग यानी कि समझ सकते हैं कि दाग लगा हुआ, कैसा दाग, बड़ा दाग। और यहाँ देखिए एक वर्ड है नील, तो नील जानते हैं कपड़ा में डाला जाता है, तो वो नील का बड़ा दाग लग गया, वो देखिए बड़ा दाग। नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी ऑलरेडी जानते हैं कि तमिलनाडु में है। चलिए उसके बाद है कोटास, तो जो बड़ा दाग जो लगा था आपके कुत्ता में लगा था, कुर्ता में, तो कुत्ता कुत्तास कर दीजिए, तो या फिर कह दीजिए कुत्ता ने बड़ा दाग लगा दिया, नीलगिरी, नील का बड़ा सा दाग लगा दिया कुत्ता ने, तो कुत्तास नीलगिरी। ओके नेक्स्ट है बैगा। बैगा जो है मध्य प्रदेश। अगर इसमें हम लास्ट में एन लगा दें, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर एन हम लगा दें तो ये क्या हो जाएगा बता देते फ्रेंड। अगर यहाँ पे एन लगा देते तो क्या बन गया, बैगन। और बैगन कभी भी अक्सर मतलब खाने से पहले, बनाने सब्जी बनाने से पहले उसको चेक किया जाता है कि कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है। तो चेक करने से कैसे पता चलेगा, तो बार बार दिखता नहीं है, जब भी बैगन अगर कीड़ा लगता है उसके अंदर तो मध्य में लगता है, यानी बीचों बीच उसके अंदर कीड़ा लगता है। तो बैगन के मध्य में कीड़ा होता है, तो बैगन दिमाग में आते ही आप तुरंत याद रखिएगा कि बैगन यानी कि मध्य में कीड़ा। अगला नेक्स्ट है कोलकाता। नेक्स्ट है आपका भील। भील जो है ये आपका, मैं एक मिनट इसको मिटा दूं, यहाँ भील जो है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और कुछ गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं।
इन सबको याद करने के लिए फ्रेंड बता दे कैसे इसको याद कर सकते हैं, एकदम फनी वे से आप अभी हंसने मजबूर हो जाएंगे ऐसा कुछ। तो यहाँ पे भील का मतलब समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ ढील, ढील यानी कि बाल में जो जुए होते हैं, जू बोल रहे हैं, जू ढील बोलते हैं उसको, तो जू भी बोला जाता है उसको, ढील भी बोला जाता है। तो ढील जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, मध्य यानी कि आपके बालों में होते हैं, सर के ऊपर, तो उसको मध्य में, बालों के मध्य होते हैं और वहीं पे उनका वो अपना राज करते हैं और वही उनका राष्ट्र है। तो किसका, भील यानी ढील, ढील यानी कहाँ राज करते हैं, कहाँ उनका मतलब राज करते हैं, कहाँ उनका राष्ट्र है, तो बालों के मध्य, और कहीं है ही नहीं उसका, तो वो जहाँ वहीं उनका विचरण होता है, गुजरते हैं वहीं से आसपास अपना निकल, वहीं उनका राष्ट्र है, वहीं वे गुजरते हैं। तो भील से और कुछ इसे अगर अच्छा लगता है तो आप ये ट्रिक बनाए ना, तो कुछ और बना सकते हैं। तो जैसे भी याद करने से मतलब है, एग्जाम टाइम कभी ना भूलें। नेक्स्ट है भोट, भोट है, भोट मतलब होता है, भोट जो है हिमाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। तो भोट से याद कर से बताते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से और भी है, गद्दीस है, गुज्जर है, तो ये तीनों हम लोग देखने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश का भोट, गद्दीस और आपका गुज्जर। तो इसको याद करने लगे फ्रेंड बताते, गद्दी, गद्दीस जो था आप ऐसे याद कीजिए, गद्दीस में यानी कि गड्डी, एस हटा दीजिए क्योंकि एस लगाया गया है प्लूरल बनाने के लिए, तो सिर्फ आपका गड्डी है। तो गद्दी, गड्डी में यानी गाड़ी में, गड्डी में आप कहीं गुजर गुजरने गुजर रहे हैं, तभी आपको क्या दिखा, भूत दिखा। तो आप भूत देखा तो डर के आप कहाँ जाएंगे, माँ के आंचल में, तो माँ के आंचल में सब डर जो है खत्म हो जाता है। तो भूत देखे कब, जब गड्डी से आप जा रहे थे, गुजर रहे थे, तभी आपको भूत दिखा और आप क्या हुए, माँ के आंचल में छिप गए। तो ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, लास्ट में हम लोग इसका पूरा रिविजन करेंगे, ठीक है। फिर है चकमा, चकमा जो है त्रिपुरा है, यहाँ पे अगर इसको एम हटा करके एन कर दें तो क्या हो जाएगा, चखना, चखना मतलब टेस्ट करना, तो ये आपका हो गया त्रिपुरा से, बता दो कि पूरा टेस्ट करना, हाँ थोड़ा बहुत नहीं, पूरा टेस्ट करना, पूरा चखना, तो थोड़ा सा क्यों चखना, पूरा चख लेना, तो हो गया चखना। आगे आगे है गारो, गारो का ये मेघालय, मेघालय है, तो इसको याद करने बता दें, मेघ, मेघ यानी होता है बादल, तो यहाँ से याद करने बता दें कि जब भी मेघ यानी कि बादल, बादल को अगर निचोड़ा जाए यानी गारा जाए उसको, अगर हाथों से उसको गारा जाए मेघ को, तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो गारो किसको गारो, मेघ को यानी बादल को गारो, पानी निकलेगा, तो गारो से आप मेघालय, मेघ याद रखेंगे। आगे है गोंद, गोंड, गोंड को याद करने के लिए यहाँ देखिए, उड़ी बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसका थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर ऐसे कर लें कि एक अंधी चिड़िया है, क्योंकि यहाँ पे गोंद की बात है, उड़ने की बात है, तो चिड़िया के ले लेते हैं, चिड़िया है जो अंधी है, अंधी है तो उसको दिखा नहीं होगा, और गोंद के बीच में आकर, यहाँ देखिए गोंद के मध्य आकर बैठ जाती है, ध्यान समझिएगा, एक अंधी चिड़िया है जो उड़ते हुए आती है और मध्य में, यानी कि गोंद समझ, जो चिपकने वाला गोंद होता है, चिपकाते हैं, फोटो चिपकाते हैं या फिर कुछ चिपकाने के लिए गोंद का यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे एक चिड़िया है जो अंधी है और गोंद के मध्य में बैठ जाती है, जिससे क्या होती है, वो उड़ नहीं पाती है और थक जाती है, हार मान जाती है, ऐसा कुछ है। तो बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका रिवीजन में पता चला कि याद हुआ भी है या नहीं, ठीक है। जरावास, जरावास का लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, यहाँ पे अगर थोड़ा सा लिटिल यहाँ पे एंड कर दे और यहाँ पे मैन कर दे, यहाँ पे ए हटा देते हैं, ठीक है, लिटिल एंड और मैन, तो लिटिल यानी कि बच्चा, एंड यानी कि और, मैन यानी कि आदमी, यानी कि बच्चे हो या आदमी, सभी को जाड़ा लगता है यानी कि ठंड लगता है, जरावास, जाड़ा किसको लगता है, वो चाहे लिटिल हो या फिर बड़े मैन हो, सबको लगता है। अगला वर्ड है, अगला जो ट्राइब है वो खासी, तो खासी के बता दो फ्रेंड कैसे याद होगा, यहाँ पे फिर से मेघालय है, तो अगर मेघालय को फिर सोचा है कि मेघ यानी कि बादल, ये बादल यानी कि बारिश होने वाली, तो जब भी बारिश होती है तो अक्सर लोगों को बारिश हो जाने के बाद शाम तक होते होते खांसी हो जाती है, तो होता है कि बरसात का मौसम है, खांसी, सर्दी खांसी ये सब होना ही है, तो कब की बात है,
जब बरसात है, मेघ मेघ यानी कि बारिश करके गई, और शाम होते होते अधिकांश लोगों को क्या हो जाती है, खांसी हो जाती है। शाम फॉर आश्रम मेघ मेघ यानी कि मेघालय। नेक्स्ट है कोल। कोल यानी कि इसका मध्य प्रदेश, कोल जो है ट्राइब, कोल ट्राइब जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए फ्रेंड कर सकते हैं कि कोल यानी कि अगर इसको कोल वाला कोयला वाला देखा जाए, COAL, कोल यानी कि कोयला। कोयला क्या होता है, काला होता है। और कोल से कहीं कहीं आपके मन में थोड़ा सा फीलिंग भी आता है वो काला के लिए, कोल यानी काला, तो काला ही समझ लीजिए काला। तो हमारे शरीर में जो एक आँख है, वो आँख में जो काला भाग रेटिना होता है वो कहाँ, मध्य में होता है। तो काल काला मध्य में होता है, इसका ऐसे हो जाएगा। आगे है कुकी। कुकी मणिपुर में है। एकमात्र इसका मैंने ट्रिक नहीं बनाया, और इसका आप ट्रिक सोच लें कि कैसे आप कर सकेंगे। ठीक है, ये छोटा सा है, कुकी मणिपुर में है, हो सकता है आपको याद भी हो आप ऑलरेडी। चलिए लुशाई। लुशाई का है मिजोरम। लुशाई मिजोरम है, इसको कैसे याद करें, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, अगर साई, अगर साई को SHY ले लें तो ये साई क्या हो जाएगा, साई मतलब होता है शर्म होता है, शर्म यानी कि लाज, शर्म। तो यहाँ पे मी यानी कि मुझे, जोर यानी कि जोर से, मुझे जोर से शर्म आती है, तो हो गया मिजोरम। साई, साई से शर्म, और मिजोरम मी मुझे जोर की, तो लुशाई से क्लियर है, यहाँ पे हो जानी है। आगे है भोटियास। भोटियास का गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में है। तो इसको कैसे याद करें, भोटियास को उत्तराखंड। ठीक है, तो अगर इस जीके ट्रिक को उत्तराखंड से लेते हैं, सिर्फ उत्तराखंड, और क्योंकि हम लोग स्टेट वाइज पर सिर्फ स्टेट पढ़ रहे हैं, स्टेट का हम लोग जानेंगे। तो भोटियास जो है, भोटिया एक भोट था, BHOT, और भोटिया है। तो वहाँ भोट और भोटिया दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भोटिया को करते हैं उत्तराखंड। अगर आमिर खान इस जीके ट्री को पढ़ते, भोटिया और उत्तराखंड अगर आमिर खान पढ़ते, तो क्या बोलते हैं, उत्तरी की भूत भागो, भूतिया हवेली है, भागो यहाँ से। तो उत्तरी के अधिकांश सुनेंगे, आमिर खान इसी बोली जाने जाते हैं, उत्तरी के। तो उत्तरी उत्तराखंड, और ये हो गया भोटिया, थोड़ा तो सा दिमाग में आना चाहिए, याद याद शायद आ भी जाएगा। मुड़ियास। मुड़ियास यहाँ पे AS जो है प्लूरल बनाने के लिए, मुड़ी है, ऐसे मुड़ियास क्या हुआ। तो मुड़िया जो है इसका बस्तर, बस्तर यानी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसको याद करने के लिए यहाँ पे मुड़ी यानी कि हेड बोला जाता है। बहुत सारे लैंग्वेज है ऐसे, सिर को मुड़ी भी कहा जाता है। तो मुड़ी को लोग बिस्तर पर रख के, बिस्तर पर तकिया के ऊपर रख के सोते हैं, तो मुड़ी से बिस्तर याद आना ही है, बिस्तर पर बस्तर, बस्तर छत्तीसगढ़ में है। ओके, मिकिर्स। मिकिर्स जो है असम में है, मिकिर्स असम में। इसको याद रखने के, यहाँ पे मिकी है, और याद रखने के मिकी माउस, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको कार्टून बहुत पसंद आता है, और मिकी माउस तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो लोग अगर पूछा जाए कि उनके कार्टून में सबसे ज़्यादा कौन मस्त पसंद आता है, तो बोलेंगे मिकी। उन्हें सबसे ज़्यादा ऑसम लगता है, ऑसम वो AWESOM बात कर रहे हैं, ऑसम मतलब बहुत लाजवाब लगता है मिक्की माउस देखना उन लोगों को, तो ऑसम हो गया मिक्की। आगे है मुंडास। मुंडा जो है बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और कहीं ना कहीं इसमें झारखंड, यहाँ झारखंड होना चाहिए था, एक झारखंड भी होगा। तो मुंडा से तुरंत आपको अर्जुन मुंडा नाम याद आता होगा, अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा, बिहार के, झारखंड के। तो मुंडा से झारखंड के, झारखंड याद आ नहीं है, तो झारखंड जहाँ से निकला है वो बिहार है, बिहार से जो अलग हुआ वो उड़ीसा है, और बिहार खुद जहाँ से अलग हुआ वो वेस्ट बंगाल है, सब आसपास ही है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी झारखंड से कोई अगर जनजाति आता है, तो उसके अगल बगल जहाँ से उसका उत्थान हुआ है, उसका उसमें से ये लोग, ये सभी जितने जनजाति है वहाँ भी उनका निवास स्थान बिल्कुल होगा ही, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ट्राइब जो है एक जगह रहते नहीं है, इनका जगह वितरण मतलब कि होते रहता है, बदल होता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो आदिवासी या परे भी हैं, जानते भी हैं, तो इनका एक जगह निवास स्थान नहीं है, कहीं कहीं इनका जगह बदलते रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है
नागाज, नागा से सिंपल बहुत ही आसान सा है नागालैंड, नागा से नागालैंड, और इसलिए आसान है फॉर आसाम हो जाएगा, क्योंकि नागा से तुरंत देखते ही आप तुरंत आसान समझ लेते हैं, और आसान से फॉर नागालैंड, आसान फॉर आसाम और नागालैंड। नेक्स्ट है उड़ाव। उड़ाव जो है ये फिर से उड़ाव आ गया, उड़ाव फिर से यहाँ पे झारखंड होना चाहिए। झारखंड एक्चुअली ये बिहार झारखंड एक ही में था, इसलिए मैंने सिर्फ बिहार लिखा है, ठीक है। तो उड़ाव बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल, तो उड़ाव से याद कर सकेंगे, उड़ाव मैंने बताया था कि उड़ना, यहाँ पे देखिए पहला ही उड़ाव, उड़ना, उड़ना फॉर उड़ीसा। तो जब उड़ाव से आप तुरंत आसान से लगेगा कि उड़ीसा है, तो उड़ीसा कहाँ से निकला है, तो बिहार से, बिहार से और क्या निकला है, तो झारखंड निकला हुआ है। बिहार खुद कहाँ से निकला है, तो वेस्ट बंगाल से, ये पूरा उड़ाव का हो जाएगा। उड़ाव का दूसरा नाम कुरुख भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे जरूर, कुरुख। अगला है ओंगा। ओंगा का जो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार ओंगा का, तो ओंगा में ओ पहले ही आ जा रहा है, तो ऐसा कोई भी अभी जनजाति नहीं मिला जिसमें ओ पहले ही मिला हो। तो उड़ाव था, उड़ाव को मैंने, उड़ाव से उर तो या उड़ीसा हो जा रहा था, लेकिन ओंगा से, अब इसमें कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फिर भी कि ओंगा का ओ से आप अंडा समझ ले, अंडा फॉर अंडमान निकोबार। अगला है संथाल। फिर से संथाल आया, संथाल जो है झारखंड में है, और झारखंड से यानी कि फिर से बिहार झारखंड उड़ीसा और बंगाल हो जाएगा। फिर से देखिए बंगाल झारखंड बिहार और उड़ीसा, ये सभी हो जाएंगे संथाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है संथाल जनजाति। अगला जो ट्राइब है सेंटिनल, सेंटिनलीज है, सेंटिनलीज जो है वो सेंटिनलीज आइसलैंड मिलते हैं और अंडमान निकोबार में ये है, तो ये आसान सा है सेंटिनलीज, सेंटिनलीज आइसलैंड, ये जो आइसलैंड है अंडमान निकोबार पे है। अंडमान निकोबार आप जानते ही हैं कि अंडमान, लघु अंडमान, सेंटिनल आइसलैंड, आइसलैंड, ये सब वो अंडमान का ही एक हिस्सा है। तो ये हो गया सेंटिनलीज, सेंटिनली, सेंटिनल आइसलैंड। आगे है शोम्पेन्स। शोम्पेन जो है अंडमान निकोबार में है, तो शोम्पेन, शोम्पेन है, सेंटिनल है, ये सभी जो है अंडमान निकोबार में है। तो ये देख लीजिए कि शैम्पू जो बनता है शोम्पेन से, शैम्पू याद रखेंगे, और जितना भी शैम्पू बनता है उस सब में अंडा होता है, तो अंडमान फॉर अंडा, तो अंडमान अंडा में शैम्पू, जो शैम्पू में अंडा होता है, तो शैम्पू फॉर अंडमान, ये आसान से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे है टोडास। टोडा जो है ये नीलगिरी में, तो मैं बता दूं कि नीलगिरी से एक ऊपर में मैंने बताया था कि ऊपर में था आपका बड़ा बड़ा, मैंने बताया था बड़ा दाग, और ये मैंने बताया था कि बड़ा सा दाग, कुत्ता, कुत्ता कुतास था, कुत्ता ने बड़ा सा दाग लगा दिया नील का, तो हो गया यहाँ पे तोड़ा, तो कुत्ता को क्या कर दिया आपने, तोड़ दिया यानी कि पूरा पीट दिया उसको, मेरा कुत्ता खराब कर दिया कुत्ता, तो तोड़ा जो है नीलगिरी से याद रखिए, या फिर ऐसा कर सकते कि आपका नीली गाड़ी जो है किसी ने तोड़ दिया, तोड़ा। लास्ट है, लास्ट नहीं अभी और तीन है, देख लीजिए उरेलिस। उरेलिस जो है ये केरल में है, और एक वारलिस है, वारलिस जो है महाराष्ट्र में है, इन दोनों में कन्फ्यूजन कभी कभी होता है, तो उरेलिस और वारलिस ये ध्यान रखिएगा। उरेलिस जो है यहाँ पे केरल, ओके, और वायरलेस जो है ये महाराष्ट्र है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो मेरे पास ऑलरेडी तीन ट्रिक हो गए जिनका नहीं पता है। वायरलेस ऐसे कर सकते कि राष्ट्र के लिए पुराने जमाने में महाराजा राजा लोग में वार हुआ करता था, वायरलेस हो गया, यानी आपके पास सिर्फ दो रह गए जिनको नहीं मालूम है, जैसे कि एक आपका उरेलिस है, उरेलिस केरल, एक है चेंकस, तो इसका ट्रिक मैंने बताया था ना, फिर भी याद है, जहाँ तक बता देता हूँ कि संथाल जो है झारखंड से रिलेटेड है, और झारखंड यानी कि बिहार, फिर से बिहार उड़ीसा और बंगाल, ये सब आ जाएगा। चलिए सेंटिनल, सेंटिनल का मैंने बताया था सेंटिनल आइसलैंड है, और ये कहाँ है अंडमान निकोबार पे। उरेलिस इसका कोई ट्रिक नहीं था, उरेलिस, वायरलिस, उरेलिस जो है इसका केरल है, और वायरलिस मैंने बताया था कि वार करना यानी कि ये राष्ट्र के लिए वार हुआ करता था,
ये महाराष्ट्र थे, महाराजा लोग अक्सर पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग वार किया करते थे। तो ये ऐसे करके हम लोग को पूरा जो मैंने कोशिश की है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगा हो या फिर याद हो गया होगा, विश्वास भी है ऐसा। तो अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल जो है नई ऊंचाई पे पहुंचे। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, और आपको ये जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, अलविदा।